भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर इस साल बढ़ने वाली सैलरी पर भी पड़ेगा। दरअसल कॉर्न फेरी के लेटेस्ट इंडिया कॉम्पेंसेशन सर्वे के मुताबिक भारत में कर्मचारियों की औसत सैलरी ग्रोथ करीब 9.7% रहेगी। यानी देश की ग्रोथ के साथ साथ कर्मचारियों की भी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। आज हम इसी रिपोर्ट का करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण और जानेंगे देश के साथ सैलरी ग्रोथ की क्या है संभावनाएं, कौन कौन से सेक्टर में कर्मचारियों को कितनी हाइक मिलेगी, इस पर चर्चा करें। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया के सबसे तेज तरक्की करने वाले देशों में से एक है। हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कॉर्न फेरी की लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया कंपनसेशन सर्वे के मुताबिक भारत की तरक्की के साथ साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी जबरदस्त ग्रोथ होगा। इस सर्वे में कहा गया है कि भारतीय कर्मचारियों का औसत वेतन 9.7% की दर से बढ़ेगा। पिछले साल ये ग्रोथ 9.5% की थी। सर्वे के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस साल 6.7% की औसत वेतन वृद्धि होगी। सैलरी हाइक करने में वियतनाम नंबर एक पर रहेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया रहेगा। यहाँ के कर्मचारियों की औसत वेतन वृद्धि करीब 6.5% की होगी, जबकि जापान में कर्मचारियों को सबसे कम 2.5% की हाइक मिलेगी। कॉर्न फेरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकता सितारा है। वैश्विक आर्थिक मंदी में भी देश की जीडीपी अन्य देशों से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस साल 2024 में फाइनेंशियल सर्विसेज जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, प्रोडक्ट कंपनियां, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और रिटेल इंडस्ट्री के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 10% की हाइक मिल सकती है, जबकि ऑटोमोटिव सर्विस में 9.7%, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल में 9.6%, ऑयल एंड गैस और लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में 9.5%, कंज्यूमर गुड्स में 8.7% की सैलरी हाइक मिल सकती है, जबकि आईटी सर्विसेज में 7.8% के साथ सबसे कम वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक कंपनी की अपेक्षाओं में खरे उतरने वाले कर्मचारियों को पिछले साल 60% से अधिक का इंसेंटिव मिला था। इस साल ये 2 गुना बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो भारत अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। ऐसे में यहाँ की कंपनियों का भी तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस साल सैलरी छप्पर फाड़, अर्थव्यवस्था के साथ सैलरी की ग्रोथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, इस पर करते हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमें बेहतर ढंग से इस ट्रेंड के बारे में समझा पाएंगे। स्वागत करते हैं हमारे साथ ही सुनील चेमनकोटल, सीईओ टीम लीज डिजिटल, और रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है आज हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, कई लोगों की उम्मीदें और आंखें दोनों चमक गई होगी ये सुनकर कि इस बार सैलरी और हाइक छप्पर फाड़ मिलेगी। मैं सुनील सर, पहले आपसे समझना चाहूंगी, जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है, क्या इसके मायने हम समझे? अगर मैं सिंपली आपसे सवाल पहले पूछूं। ये बहुत अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए, खासकर ऐसे एनवायरमेंट में जहां हर जगह तनाव है, कहीं वॉर हो रहा है और कहीं पे नौकरियां छूट रही है, तो ये सब माहौल में ये न्यूज़ बहुत बेहद खुशी की बात है। और इस बार हमने देखा है कि नई हायरिंग में थोड़ा सा कॉशियस है, लेकिन जब आपकी इंक्रीमेंट्स की बात आएगी वहां पे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। अक्रॉस सेक्टर्स अगर हम देखा जाए तो हर सेक्टर में कंपनसेशन को इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, आपके सैलरीज बढ़ेंगे। और जैसे कि सर्वेस कह रहे हैं कि 9-10% के बीच में आपका सैलरीज बढ़ेगा। हालांकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग इंक्रीमेंट्स है, बट ओवरऑल अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है, एक्सेप्ट आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, जो आईटी सेक्टर की करंट प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा कम है, 6.77% के इंक्रीमेंट है। बाकी सभी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही है, और जैसे जीडीपी ग्रो कर रहा है अपना, उसी साथ साथ आपका सैलरीज भी बढ़ेगा, और ये गुड न्यूज है आपके लिए। ओके, तो सुनील सर कह रहे हैं कि अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, स्पेशली रजनीश सर,
ये एक ऐसा साल है जब हम जो एक साइकिल होता है, किसी का अप्रेजल साइकिल होता है एंड होने का, जब हम देखेंगे महंगाई के आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉब ग्रोथ के आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, साथ ही इलेक्शन का साल भी है. सर, इतने सारे जो फैक्टर्स हैं उस साल में इस तरीके की खबर आना, हालांकि पिछले साल भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 9.5% सैलरी ग्रोथ की बात की गई थी और इस बार तो 0.2% ज्यादा ही कहा गया है. क्या इम्पोर्टेंस सर आपकी नजर में है, कीपिंग इन माइंड ऑल दीज बिग फैक्टर्स? आई थिंक स्वाति, देखिए काफी कुछ क्वार्टर्स है आप देखेंगे एक मोमेंटम सा बना हुआ है इस साल, और ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जब तक हमारे Q4 तक हम लोग आ रहे हैं तो इतनी पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि जो क्षमता है कंपनीज की सैलरी हाइक्स देने की वो कहीं ना कहीं अपवर्ड्स दिख रही है. आपका टाइटल छप्पड़ फाड़, मैं थोड़ा सा वो अब मैं फिर जब कर्मचारी लोग देखेंगे तो उनको लगेगा ये तो 9.5% से 9.7% ही केवल हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बढ़ोतरी हो गई है. मगर आई थिंक इसको ओवरऑल देखना चाहिए हमें, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसा कि आपने लिस्ट आउट किया कि यस चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग ईयर रहा है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ अपबीट रहा है. हमारे पास चैलेंजेस नौकरियां की भी रही हैं, बहुत सेक्टर्स में अच्छे नौकरी अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं नौकरी के लिए, उससे भी इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल कर रही है. और जैसा कि हम लोग रिपोर्ट में आगे भी चर्चा करेंगे इसमें कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि हम टैलेंट को किस तरह रिटेन करें, और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे इस रिपोर्ट में तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा. मगर जैसा सुनील जी ने कहा, बारिंग केवल आपका आईटी सेक्टर एंड कंज्यूमर गुड्स, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं सारे 9.5 to 9.7% में आ रहे हैं, जो कि बहुत एनकरेजिंग है, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा सारे सेक्टर्स में. बिल्कुल अजी सर, आपने बिल्कुल इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा है, जो आपने बिल्कुल 100% की बात की वो है टैलेंट रिटेंशन की, और मैं एक्चुअली इस सवाल पर आ रही थी. और इसका जिक्र सुनील सर ने भी किया, एक तो न्यू हायरिंग, जो नई वर्कफोर्स आना चाहती है या आएगी, और दूसरा टैलेंट रिटेन करना. एक अट्रिशन प्रॉब्लम रही है, खासतौर पर आईटी में हमने देखा है अट्रिशन रेट एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और लोगों का सर काम के प्रति और जो एक अगर हम यूजुअल बोले 9 to 5 जॉब के प्रति जो एक रवैया है, जो एक माइंडसेट है, वो भी काफी बदल गया है. तो एक मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में एक रेवोल्यूशन आ गया है इस पूरे स्पेस में भी. सर, एक कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक टैलेंट को एक तो रिटेन करना, दूसरा जो ऑलरेडी एक अच्छा टैलेंट है वो कंपनी उसको दूसरे से अलग आइडेंटिफाई कर पाए और उस तरीके से उसको सैलरी हाइक दे पाए, ये कंपनी डिसाइड कैसे करती है, एंड टू बी वेरी फेयर टू ऑल द अदर एम्प्लॉयज एज वेल? आप अगर देखोगे तो ये जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, इंक्रीमेंट्स 9.7-9.6% बोलते हैं, वो हर एक एम्प्लॉय को सेम इंक्रीमेंट नहीं रहता है, ये वेज बिल का एस्केलेशन है, और आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिटेन किया जाता है इंक्रीमेंट दे के. किसी को 15% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, बेस्ड ऑन योर रेटिंग. और ये पूरा प्रोसेस जो है वो अप्रेजल साइकिल जो कहा जाता है, उस टाइम में आपका रिटेंशन का को ख्याल रखते हुए ये वर्कआउट किया जाता है. आपने कंपनी के लिए कितना मेहनत किया है और कैसे आपका परफॉर्मेंस रहा है और आपका क्षमता क्या है, पोटेंशियल क्या है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये सब मायने रखते हुए इंक्रीमेंट्स वर्कआउट किया जाता है. ये पूरा एक साइंस है, इसमें कुछ टूल्स है जैसे बेल कर्व वगैरह हम यूज करते हैं, लेकिन टू पुट इट इन होलसम, आपको पूरा आपका टैलेंट को टैलेंट प्रोफाइलिंग किया जाता है. परफॉर्मेंस एक मेट्रिक है,
बट आपका पोटेंशियल भी इम्पॉर्टेंट है और कंपनी भी उनकी तरह से आपको अपस्किलिंग रीस्किलिंग वगैरह करवाते रहती है ताकि टैलेंट को अप टू डेट रखा गया और रिटेंशन किया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैलेंट लंबे समय तक टिके रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई छोड़ देता है तो इमिडिएटली किसी और को फिर हायर करके फिर रिटेन करके फिर परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी टाइम और मनी वेस्ट होता है। इसीलिए ये अप्रेसल साइकिल एम्प्लॉय के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बहुत बारीकी तरीके से उसको वर्कआउट करके काफ़ी डिस्कशंस होती है और एम्प्लॉय को कम्युनिकेट भी किया जाता है कि आपको ये इंक्रीमेंट क्यों मिल रहा है और आपने क्या परफॉर्मेंस किया है। सो ये पूरा जो साइकिल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह से लोगों को रिटेन भी किया जाता है, कर्मचारियों को रिटेन किया जाता है, ग्रोथ भी ऑफर किया जाता है। बिल्कुल रजनी सर, एक पॉइंट यहाँ पर समझना जरूरी है, अप स्किलिंग की बात यहाँ पर सुनील सर ने अभी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आने वाले टाइम में स्किल बेस्ड जो टैलेंट है उसकी मांग और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या कंपनीज इस फैक्टर को भी देखती है कि जो एक स्किल है वो सुपरसीड करता है एक्सपीरियंस को, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में एक जॉब की रिक्वायरमेंट, स्किल बेस्ड जॉब की रिक्वायरमेंट एक नया हायरी भी पूरी कर सके क्योंकि उसके पास वैसा स्किल है रादर देन एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के। सर आपका इस पर क्या व्यू रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये आपने बिल्कुल सही कहा, स्किल के ऊपर काफी फोकस होगा और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि नॉलेज अक्वायर करना आज की तारीख में इतना आसान होता जा रहा है क्योंकि काफी कुछ आप इंटरनेट के थ्रू सीख पा रहे हैं, कई कोर्सेज आप काफी लोग कर रहे हैं, अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा एक समय डेफिनेटली आएगा कि जब एक्सपीरियंस की तुलना स्किल के साथ जरूर होगी और अगर जो लोग भी ज्यादा स्किल्ड हैं, ज्यादा अपने आप को इक्विप करके रख रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाएंगे एक्सपीरियंस वालों के बतौर, अगर एक्सपीरियंस वाले भी स्किल्स को अक्वायर नहीं करते हैं। तो टेंडेंसी यही देखी गई है कि अगर मैंने अपने करियर में एक एक्स नंबर ऑफ इयर्स अगर बिता लिया है तो मैं थोड़ा सा सेटल्ड हो जाता हूँ, कॉम्प्लिसेंट हो जाता हूँ और नई चीजें सीखने की क्षमता जो मुझ में रहती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी सी हो जाती है उसमें। और वहीं पे अगर कोई यंग हाईली स्किल्ड अगर कोई रिसोर्स होता है जिसमें काफी एनर्जी है, ड्राइव है, यंग है, वो मोर एम्बिशियस है, तो वो अगर कहीं ना कहीं ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी डिमांड, उनका रिटेंशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए और उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता जरूर मिलेगी। इंपॉर्टेंट सर पॉइंट जिसका जवाब मुझे चाहिए था आप दोनों एक्सपर्ट से। हम जनता को भी अपने इस कार्यक्रम में, उस चर्चा में शामिल करते हैं रोज और हमने सोशल मीडिया पर x.com पर सवाल पूछा था हमारे सभी दर्शकों से, पूछा था कि इस साल 9.7% सैलरी हाइक की उम्मीद है सर्वे के मुताबिक, क्या ये काफी है? देखिए साफ जवाब लोगों का नहीं में, लगभग 65% लोगों को लगता है कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं हमारे साथ अपने जो राय है वो बांटें और कई दर्शकों ने हमें अपनी राय भी भेजी इसको लेकर कि आखिरकार वो इस पूरे सवाल पर क्या राय देते हैं। उनमें से एक आध मैं राय पढ़ लूं। हमारे एक दर्शक कहते हैं कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगा आफ्टर टैक्स डिडक्शंस, जो कि एक बहुत ही वाजिब एक पॉइंट है। दूसरा एक दर्शक खुश भी है कि चले कम से कम 10% के ऊपर हाइक तो मिलेगी। पर ये जो सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि एंड ऑफ द डे सर जब हम हाथ में एक इंक्रीज सैलरी की बात करते हैं सर, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि क्या ये इन्फ्लेशन को मात देने के लिए काफ़ी है, क्या इससे हमारे एंड्स मीट होंगे। मैं एक्चुअली रजनी सर आपसे, सॉरी सुनील सर पहले आपसे राय लेना चाहूँगी, क्या वाकई ये काफ़ी है? बहुत मुश्किल सवाल है। कभी भी अपने को यही लगता है कि जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी नहीं है, दैट्स नेचुरल टेंडेंसी
आपकी बात सही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन वी हैव टू फाइंड आवर ओन मीन्स। और जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जो टैक्सेशन और इन्फ्लेशन, ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम परफॉर्मेंस करें, और जो भी इंक्रीमेंट एट ए वेज बिल लेवल पे है उस पर मेरे खुद के परफॉर्मेंस के दौरान मैं सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट लूँ, दैट शुड बी आवर चैलेंज। एंड उसी में हम हमारा विक्ट्री है, सो दैट्स व्हाट आई फील। और रजनी सर, क्या हमें खुश रहना चाहिए इतने परसेंटेज से ही, क्योंकि दर्शक तो इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते हैं, दे वांट मोर। स्वाति देखिए, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। एचआर काफी जिंदगी से देखा है, हमने करीब से भी देखा एचआर को। देखिए, मनी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सेटिस्फेक्शन लाना बहुत ही डिफिकल्ट है, और आप किसी भी एचआर हेड से, किसी भी एचआर प्रोफेशनल से आप पूछेंगे तो सबसे जो टफ एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगर आप साल में करते हैं तो वो होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। और जब इंक्रीमेंट्स अनाउंस होते हैं तो ये तो मान के चलते हैं कि एक आध महीना तो बिल्कुल ही मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, चाहे आप जितनी भी हाइक करें। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि 65% लोग इसको बिल्कुल ही नहीं समझते कि काफ़ी है। मैं उनके लिए डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, दूसरी तरफ आपके पास सिचुएशन ऐसी भी है कि नौकरियां कट रही हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो हमें ये सब भी ध्यान रखते हुए ये नहीं मैं कहूँगा कि भाई जो मिला वो ले लो, बट कंपनीज के ऊपर भी, जैसा कि पहले कहा कि उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत है, और सबने अपनी अपनी बजट्स की हुई हैं। सुनील जी ने भी अपने सारे फैक्टर्स बताए, उन्होंने बड़े क्लियरली बताए कि क्या क्या चीज कंपनीज फैक्टर इन करती हैं, और जहां तक हो सके मैं अभी भी मान के चलूंगा, अगर आप देखिए जापान अगर 2.5% दे रहा है और हम लोग अगर 9.5% दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यस, जापान की शायद सैलरीज बहुत हाई होंगी तो इसीलिए 2.5% वहां के लिए ज्यादा है, बट मैं ये मान के चलूंगा और लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरह की स्थिति है ये बड़ा डिसेंट सा इंक्रीज है, बट राइडर मेरा इसमें यही रहेगा, यस प्राइस राइजेस हैं, टफ है, सिंगल इकोनॉमी सिंगल इनकम के लिए टफ होता है एक आज की तारीख में घर चलाना, तो यस इसमें अपने आप को किस तरह बजट करके रखते हैं, और जैसा सुनील जी ने अंत में कहा, अपने आप को जितना हम सक्षम बनाएं और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं ताकि हम उनमें से आए जो कि हाई रिटेंशन वाले एम्प्लॉयज में आए जिनको कि ज्यादा इंक्रीमेंट प्राप्त होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे। और मैं इस बात से अंत करना चाहूंगी, हमने हाल ही में इसी शो में ये भी शो किया था कि लगभग 50% जो कर्मचारी हैं वो अपनी नौकरी बदलने को भी काफी आतुर हैं। तो इन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इनको कोरिलेशन में देखना बेहद जरूरी है। उम्मीद तो यही रहती है कि जो टैलेंट है दे शुड बी पेड वेल, और जो स्किलिंग है, अपस्किलिंग है, उस पर कंपनीज का फोकस ज्यादा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इस चर्चा में आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल हुए, सुनील सर और रजनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात बिजनेस जगत से जुड़ी उन तमाम खबरों की जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तिमाही आधार पर कंपनी का कंजो मुनाफा 11,342 करोड़ रुपए से घटकर 11,058 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान तिमाही आधार पर कंपनी की कंजो आय 59,692 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,583 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर मार्जिन 24.3% से बढ़कर 25% पर पहुंचा। कंपनी ने 9 रुपए शेयर अंतरिम डिविडेंड और 18 रुपए प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी निवेशकों को कुल 27 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का कंजो मुनाफा 6,212 करोड़ रुपए से घटकर 6,106 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की कंजो आय भी 38,994 करोड़ रुपए से घटकर 38,821 करोड़ रुपए रही। इन्फोसिस का मार्जिन भी 21.2% से घटकर 20.5% पर आया। इन्फोसिस ने 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। इन्फोसिस ने एक सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म इन सेमीटेक के अधिग्रहण का ऐलान किया है। आज तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ ही ये जानकारी दी।
डील के तहत इंफोसिस 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 280 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। कंपनी ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंफोसिस की इंजीनियरिंग R&D क्षमताओं को और मजबूत करेगी। इन सेमीटेक की स्थापना साल 2013 में हुई थी। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, प्लेटफॉर्म डिजाइन, ऑटोमेशन, एम्बेडेड और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज के साथ साथ एंड टू एंड सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकार का नेट डायरेक्ट कलेक्शन 19.4% की बढ़ोतरी के साथ 14,70,000 करोड़ रुपए रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि ये पूरे साल के टारगेट का 81% है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष डायरेक्ट टैक्स के लिए 18,23,000 करोड़ रुपए का टारगेट तय किया है। पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आते हैं। विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 10 जनवरी तक कुल 2,48,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV XUV 400 EV का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक कार को नया अपडेट मिला है। XUV 400 में अब 2 बैटरी पैक मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी ने इस कार के 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया है। इस कार की शुरुआती कीमत 15,49,000 रुपए है और टॉप वेरिएंट की कीमत 17,49,000 रुपए तक जाती है। कल यानी 12 जनवरी से कंपनी इस कार की बुकिंग शुरू कर देगी। इस कार को 21,000 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी घटाने की मांग की है। DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस बारे में भारी उद्योग मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सेस के साथ साथ 43% ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 5% ड्यूटी लगती है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी घटाने की जरूरत है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का मानना है कि बाजार के लिए नया साल 2024 भी अच्छा रहेगा। इसके पीछे बड़ी वजह इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ और घरेलू बाजार में बढ़िया खपत की उम्मीद है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर दिखेगा, खासकर बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स की कंपनियों के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। गूगल में एक बार फिर से छटनी का दौर शुरू हो गया है। कंपनी डिजिटल असिस्टेंट, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में से सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसकी ओर से कॉस्ट कटिंग जारी है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इस छटनी से प्रभावित कर्मचारियों में वॉइस बेस्ड गूगल असिस्टेंट और ऑगमेंटेड रियलिटी हार्डवेयर टीम के लोग शामिल हैं। इसके अलावा गूगल के सेंट्रल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी भी छटनी से प्रभावित हुए हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के लिए एक नया ऑप्शन आया है। HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखकर कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश के लिए 3,000 करोड़ का फंड जुटाया जा रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवामा और कमर्शियल रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमन एंड वेकफील्ड 50-50% की साझेदारी के साथ ये फंड जुटाएगी। इस पर निवामा एसेट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट एंड हेड अंशु कपूर और कुशमन एंड वेकफील्ड के इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक के MD अंशुल जैन से बात की हमारे सहयोगी दीपक यादव ने। ये जो फंड पूरा होगा 3,000 करोड़, ये कब तक आप जुटा लेंगे? और पहली चीज की किस तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट होगा, जो इन्वेस्टर है उसे कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न कैसे मिलेगा? थैंक यू, धन्यवाद दीपक। देखिए, पहले तो ये जो फंड है, फंड करीब 3,000 करोड़ का है जैसे आपने कहा, और ये फंड के जो निवेशक होंगे सारे हमारे हिंदुस्तानी निवेशक होंगे, जिनको आप HNI बोलते हैं या फैमिली ऑफिस कहते हैं या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कहते हैं। सेबी का अप्रूवल आना है अभी, तो सेबी से जैसे ही ये अप्रूवल आता है वैसे ही हम फंड रेजिंग स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही आरम्भ करेंगे। और मुझे लगता है कि 6 से 9 महीने में हो सकता है कि हम ये 3,000 करोड़ जुटा लें। लेकिन जैसे जैसे फंड जुटाएंगे वैसे सोचना शुरू कर देंगे कि इसको निवेश कहाँ करना है। और जो हम कह रहे हैं कि ये जहाँ निवेश करेंगे ये प्री रीट की तरह का एक ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो 1 साल कंप्लीशन के लिए या
रेडी एसेट है या फिर रेडी है बट लीज आउट नहीं है, रेडी है फुली लीज आउट है, तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट इसका थीसिस है, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। किस तरह के मार्केट में इन्वेस्ट होगा, जो एच एन आईज हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा क्योंकि पी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और इधर एक नया वर्टिकल, तो किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या कौन से माइक्रो मार्केट्स आपने चुने हैं? 2020 में सबने कह दिया कि भैया इंडियन रियल एस्टेट तो ख़त्म हो गया, ऑफिस रियल एस्टेट तो ख़त्म हो गया और लोग दोबारा कभी ऑफिस नहीं आएंगे, लेकिन जो पिछले 3 साल के आंकड़े आए हैं उससे ऐसा साफ जाहिर होता है कि ऑफिस जो है एक बहुत ही स्टेबल स्टडी एसेट क्लास है और इसमें जो लोग हैं वो इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसकी डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहेगी और इसमें निवेश भी होता रहेगा। तो अगर 2023 के हम बात करते हैं तो 2023 में एक्चुअली 2019 जितनी ही नई डिमांड आई, और ये कई बारी हमें लगता है कि ये बड़ी कंपनी जगह दे रही हैं कम कर रही हैं तो शायद ऑफिस डिमांड नहीं है, तो एक तरफ बड़ी कंपनीज थोड़ी बहुत जगह दे रही हैं बट दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि दसियों नई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, डोमेस्टिक डिमांड जो इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडियन GDP ग्रोथ के हिसाब से उनका बिज़नेस अच्छा है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो ऑफिस में आकर काम करना चाहते हैं, इवन हाइब्रिड कंडीशन में 3 या 4 दिन तो ऑफिस आ ही रहे हैं, तो उस वजह से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, तो इस वक्त एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र होगा। सूत्रों के मुताबिक सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को 31 जनवरी को संबोधित करेंगी, जिसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इकोनॉमी में मजबूती की गारंटी दे रहे हैं टैक्स और GDP की ग्रोथ के दमदार आंकड़े, मार्केट में तेजी की गारंटी दे रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड लेवल, और फिर से चुनाव जीतने की गारंटी दे रहे हैं खुद मोदी जी। ये मोदी की गारंटी है, लेकिन बताइए इस बजट में आपको कमाई की गारंटी देगा कौन? हम, मैं और जी बिजनेस पर हमारा दमदार पैनल आपको करवाएगा कमाई। तो देखिए ये बजट सिर्फ जी बिजनेस के साथ, बजट 2024 तेजी की गारंटी। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का मानना है कि बाजार के लिए नया साल 2024 भी बहुत अच्छा रहेगा और इसके पीछे बड़ी वजह इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ और घरेलू बाजार में बढ़िया खपत की उम्मीद है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर दिखेगा और खासकर बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स की कंपनियों के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आगे जाके हमें लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है बजट की बेस काफी ऊपर है, तो अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 13-14% के आसपास की संभावना है अगले 3 साल के लिए, और वैल्यूएशंस मार्केट के भी ऐसे सस्ते हैं नहीं, आई मीन लॉन्ग टर्म एवरेज थोड़ी ऊपर ही है, तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए थोड़ी मॉडरेशन रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। हालांकि लॉन्ग टर्म पिक्चर इंडिया का अभी भी अच्छा है, हमें लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ स्टेडी रहेगी, सो ओवरऑल रिटर्न्स मॉडरेट रहेंगे बट उसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब करते हैं बाजार की बात। बाजार में वीकली एक्सपायरी पर एक बार फिर से मुनाफा वसूली हुई। अच्छी शुरुआत के बाद शेयर बाजार अंत में सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 63 अंकों की मामूली तेजी के साथ 71,721 पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक उछलकर 21,647 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 77 अंक चढ़ा और 47,438 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में दर्ज की गई, जबकि FMCG, फार्मा, रियल्टी में बिकवाली से बाजार पर था आज दबाव। कहां पर बाजार में रहा सबसे ज्यादा एक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार काफी रेंज बाउंड बना रहा। हालांकि कुछ एक ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर शानदार आउट परफॉर्मेंस आज आपको देखने को मिली, जिसमें निफ्टी में सबसे पहले चढ़ने वाले शेयरों की सूची में देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प
आज एक बड़े लीडर के रूप में निकलकर सामने आया। करीबन 5% तक की दमदार तेजी इसने दिखाई। साथ ही बजाज ऑटो बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2-2.5% तक चलता हुआ नजर आ रहा था और इस खेल में भी बढ़िया गेंस रहे। पर दूसरी तरफ गिरने वाले शेयर सूची में नतीजों के पहले इंफोसिस देखे तो करीबन 2% तक की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही 8% तक की गिरावट रही थी। HUL और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स पर भी आज आपको दबाव देखने को मिला। लेकिन स्टॉक्स इन फोकस में ऑफकोर्स पॉलीकैब, यहाँ पर जिस तरह से IT मामले में या जांच चल रही है और जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई हैं उसके कारण से आप 20-21% तक का डीप कट आज इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा था। एंड ऑफकोर्स दूसरी तरफ MRPL यहां पर आउट परफॉर्मेंस थी ऑन द कॉन्ट्रेरी करीबन 20% की शानदार तेजी के साथ। कामत होटल्स हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर के जरिए भी बताया कि किस तरह से अयोध्या में इनके बड़े प्लान्स आगे चलकर बनने वाले हैं जिस कारण से यहां पर 5% तक की शानदार तेजी रही। और HDFC AMC नतीजों के बाद मार्केट आज के दौरान ही इसके नतीजे आते हुए दिखे थे और उसके बाद 2-2.5% तक की आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही थी। गेनिंग ग्राउंड्स पर इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत था। साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, गुजरात गैस, टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स पर भी आज खासा एक्शन देखने को मिला। 5% से लेकर 8% तक का आउट परफॉर्मेंस आपको बनता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि दूसरी तरफ KEI इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स पर आज थोड़ा हमें दबाव देखने को मिला एंड इस कारण से यहां पर अंडर परफॉर्मेंस लार्जली आपको इन सब स्टॉक्स में आ रही थी। बट ऑफकोर्स जिस तरह से रेंज बाउंड रहा मार्केट, कुछ एक स्टॉक्स की बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस रही पर कुछ एक स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई। तो अब यही देखना है कि यहाँ पर कल कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार की किस तरह की ओपनिंग होती है एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसी क्लोजिंग रहती है। वहीं स्पाइसजेट की कल AGM थी, क्या रही इस AGM की हाइलाइट्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल जी। तो स्पाइसजेट आज फोकस में है इस वजह से क्योंकि कल इसकी AGM हुई थी और AGM के जो हाइलाइट्स निकल कर आए वो काफ़ी अहम रहे थे जिस कारण से यहाँ पर कंपनी ने बड़े अनाउंसमेंट किए। एक तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत लक्षद्वीप के लिए ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स है इनके पास हैं उसको ये आगे चलकर कारगर साबित करने वाले हैं जिसके अंतर्गत डायरेक्ट फ्लाइट्स अगाती आइलैंड के लिए ये शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट इनकी तरफ से होती हुई दिख रही थी। साथ ही आप देखिए यहाँ पर भारत के अलग अलग शहरों से जो अयोध्या है उन वहाँ पर ये फ्लाइट्स के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और कंपनी के जो 25 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स हैं वो अब दोबारा से शुरू करने की इनकी तैयारी भी हो रही है। तो दो बड़े हॉटस्पॉट्स आगे चलकर लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए स्पाइसजेट तैयार होते हुए दिख रहा है। और साथ ही जो 2250 करोड़ रुपये फंड जुटाने की मंजूरी दी गई थी बोर्ड द्वारा, अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने भी इसको मंजूरी दे दी है AGM में और इस कारण से स्पाइसजेट खासा फोकस में रहेगा। भारत मालदीव में जारी तनाव के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भारत और दुनिया भर के सभी फिल्म निर्माताओं से मालदीव में शूटिंग नहीं करने की अपील की है। FWICE की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भारत की खूबसूरत जगहों पर शूटिंग करने की सलाह दी गई। FWICE ने कहा कि मालदीव ने PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, ऐसे में राष्ट्र के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ये फैसला लिया गया है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे लक्षद्वीप उस जगह पहुंचे जहां पे मोदी भी पहुंचे थे, देखिए बंगारम द्वीप से विशाल पांडे की रिपोर्ट। लक्षद्वीप में इस वक्त हम बंगारम द्वीप में आए हुए हैं, शाम का वक्त है और हमें यहां पर एक कपल मिला है जो कि अभी इनकी एक हफ्ते पहले शादी हुई है और ये हनीमून पे सीधे लक्षद्वीप आए हैं। तो आप देखिए लक्षद्वीप ट्रेंड कितनी तेजी के साथ कर रहा है, उन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम, शुभम हेडाउ। आपका? स्नेहर। स्नेहर, शुभम और स्नेहर, आप लोगों ने लक्षद्वीप आने का फैसला क्यों किया हनीमून पर? सबसे पहले तो हम लोगों ने मालदीव्स का ट्राई किया था बट मालदीव्स का बजट बहुत ज़्यादा था। देन वी गॉट टू नो कि लक्षद्वीप भी अपना इंडियन एक आइलैंड है, उसका बजट चेक किया मैंने एंड इट्स काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली। सो हम लोगों ने उस हिसाब से फिर लक्षद्वीप जाने का डिसीजन लिया। अभी तो मेरा इनबॉक्स तो पूरा फुल ऑफ मैसेजेस पड़ा है, जैसे मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली एंड दे वर लाइक कि कहाँ पे गए हो, कैसे गए हो, कौन से ट्रैवल से बुक किया। अब 2-3 दिन से रोज लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ये, तो ऑब्वियसली कि मैं बहुत से लोगों को प्रमोट करूँगा कि प्लीज़ कम टू लक्षद्वीप, इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड
एक्चुअली किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो एक स्टोरी देख के ही लोग पूछने चले आ रहे हैं। पता है आप जिस बीच पर इस समय हैं, प्राइम मिनिस्टर इसी बीच पर आए थे और यही की वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हमने आते ही पूछा था, गाती आइलैंड पे ही पूछा था कि मोदी जी कौन से आइलैंड पे आए थे और कहा, तो उन्होंने आते ही बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे। और पीछे साइड अगर आप जाओ सनसेट पॉइंट पे तो वहाँ पे हेलीपैड भी बना है, उस साइड में भी बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब देखते हैं अयोध्या से जुड़ी खबरें। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ दिनों का वक्त रह गया है। 22 जनवरी की तस्वीर कैसी होगी ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन अभी से उसका आभास होने लगा है। पूरा का पूरा माहौल राममय दिख रहा है। वो दिन जब अयोध्या की अलग तस्वीर होगी, वो दिन जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नगाड़ों की इस आवाज में जय श्री राम की जय घोष होगी। 22 जनवरी की वो तारीख जब राम भक्त अपने तारणहार तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएंगे। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बजने वाला ये नगाड़ा भी अयोध्या पहुंच चुका है। 22 किलोग्राम वजन वाला ये नगाड़ा 700 किलोग्राम वजन वाले रथ पर पहुंचा तो मानो वैसा लगा जैसे 22 जनवरी की तारीख अभी आ गई हो। ये नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा है, जिसे अखिल भारतीय दबगर समाज ने बनाया है। इस नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है तो सोने की परत भी चढ़ाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस नगाड़े को मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट पर जय श्री राम का जय घोष। यहाँ भगवान श्री राम भी हैं, उनके अनुज लक्ष्मण भी हैं, तो राम भक्त हनुमान भी। राम मंदिर के दिव्य आभा, जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है, मंदिर की चमक और उसकी आभा बढ़ने लगी है। रामलला के मंदिर में सोने के दरवाजे की तस्वीर भी सामने आई है। सोने के पत्र से सुसज्जित दरवाजा बेहद खूबसूरत है। सोने के दरवाजे का खास आकर्षण है, शानदार नक्काशी वाला सोने का चार दरवाजा लग चुका है, जबकि आगे भी दरवाजे के लगने का काम तेजी से चल रहा है। इसमें शुभता के प्रतीक माने जाने वाले चिन्हों और संकेतों के अलावा हाथी, घोड़े, कमल दल और झरोखे जैसे डिजाइन बनाई गई है। मंदिर में ऐसे 14 दरवाजे लगाए जाने हैं, जिसमें करीब 100 किलो सोना उपयोग होने का अनुमान है। इसके लिए दरवाजे हैदराबाद की एक कंपनी तैयार कर रही है। अयोध्या नागर शैली में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार है। पहली मंजिल बनकर तैयार हो गई है। राम मंदिर के काम की तेज रफ्तार, जल्द आएंगे भगवान श्री राम अपने द्वार। पहले ही 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन मंदिर परिसर में अभी से यजुर्वेद का पाठ शुरू हो गया है। इस पाठ को 101 वेदी पाठ कर रहे हैं। इसके लिए 2 मंडपों का निर्माण किया गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी जगह पर कोई वैदिक काम जब शुरू होता है तो उसके पहले वहाँ के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसको खत्म करने के लिए यजुर्वेद की त्रिचाओं का पाठ किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम जो विधिवत कार्यक्रम है उसका एक भाग शुरू हो चुका है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। यूपी के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। आमतौर पर लोग ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी, अलाव या हीटर का सहारा लेते हैं। कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन न होने से ये जानलेवा साबित हो सकता है।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और अंगीठी का सहारा ले रहे हैं। कई बार लोग गर्मी बनाए रखने के लिए कमरे में हीटर और अंगीठी जला लेते हैं। कमरा तो गर्म हो जाता है, लेकिन ये कितना घातक साबित होता है इसका अंदाजा शायद नहीं होता। ताज़ा मामला यूपी के अमरोहा से है, जहां एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वही यूपी के श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक कमरे में अलाव जलाकर सो रहे एक बच्चे की चारपाई में आग लग गई और इस घटना में बच्चे की मौत हो गई। पहले समझते हैं कि आखिर रात में सोते समय कमरे में अंगीठी, अलाव या हीटर जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। दरअसल जब अंगीठी या कोयला जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कई और जहरीली गैसें निकलती हैं। वहीं जब ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में हीटर, ब्लोअर या अंगीठी जलाते हैं तो कमरे का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और कुछ समय के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। सोने के दौरान व्यक्ति जहरीली गैस की चपेट में आ जाता है और ऐसे में दम घुटने की आशंका बढ़ जाती है। कई बार लोग सर्दियों में घर में खुले में अंगीठी, अलाव या हीटर जला लेते हैं। इससे आसपास वाली जगह का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। वही अंगीठी, अलाव या कोयले से निकलने वाली जहरीली गैस सांस के जरिए से फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फेफड़े के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में मिल जाता है। इसका खतरा ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाता है। इससे बॉडी के कई जरूरी अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। स्थिति में व्यक्ति हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है। इसमें टिश्यू नष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। अलाव या अंगीठी से निकलने वाले धुएं से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने के साथ चक्कर आने, उल्टी आने की भी शिकायत हो सकती है। कई बार तो इससे हार्ट तक होने वाला ब्लड फ्लो प्रभावित होने लगता है। इसके अलावा अलाव के धुएं से अस्थमा होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए अलाव, हीटर या अंगीठी जला रहे हैं तो इसे ऐसी खुली जगह पर रखें जहां एयर वेंटिलेशन बेहतर हो। वहीं रात में इसे बंद कमरे में जलाकर कतई ना सोएं। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें। इससे ना तो सेहत पर कोई खतरा होगा और ना ही जानलेवा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही।